देख रहे हैं दैनिक रोकटोक लेखनी। मुंब्रा में पुल से छलांग लगाकर रोहित ने की आत्महत्या। मुंब्रा गांव देवी के रहने वाले रोहित गुप्ता ने आज जूहा पुल से खाड़ी में छलांग लगा दी। रोहित गुप्ता के भाई राहुल गुप्ता ने बताया कि रोहित गुप्ता की 6 महीने पहले शादी हुई और काफी मानसिक तनाव में रहता था। 3-4 दिन से कई बार सुसाइड करने के लिए चूहा पुल पर आया था, मगर पिता राजकुमार गुप्ता उसे पकड़कर ले गए। आज सुबह फिर रोहित गुप्ता घर से निकला, मगर उसके पिता राजकुमार गुप्ता उसे पुलिस स्टेशन पकड़ कर ले गए। पुलिस से पागल खाने में डालने की बात की, मगर पुलिस ने समझा बुझा कर घर वापस भेज दिया, जिसके बाद 11:30 बजे के आसपास में रोहित गुप्ता ने अपने पिता राजकुमार गुप्ता को फोन करके कहा घर का ख्याल रखना और वह चूहा पुल से छलांग लगा दी। घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर पानी का बहाव तेज होने की वजह से सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। पानी कम होने के बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या यहाँ पर जो छलांग लगाया है आपका भाई है? मेरा भाई था सर। क्या नाम है उसका? रोहित। कैसे उसने छलांग लगाया, क्या पूरा मामला हुआ है, कैसे होगा ये घटना? सर बात यह है कि उसका कुछ दिमाग का प्रॉब्लम था, तो यही प्रॉब्लम है। वो बार बार बोल रहा था कि मतलब मैं कमा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, घर वालों को नहीं देख सकता। और थोड़ा वो औरत का टेंशन था, औरत भी चली गई थी बीच में। फिर वो वही बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था, तो दवा वगैरह करा है, दवा दुआ। ट्रीटमेंट कितने दिन से चालू था उसका? सर ऐसे तो 4-5 साल चला, बीच में सही हो गया था ये। अभी फिर ऐसा हो गया बीच में। कितने टाइम? आपके आपके जो पिता हैं उनका कहना है कि वो 3-4 दिन से लगातार चूहा पुल पे आ रहा था सुसाइड करने के लिए। वो पकड़ के यहाँ से लेकर भी गए उसको, ये बात सही। और आज पुलिस स्टेशन में भी लेकर गए थे उसको, और उसके बाद फिर आज 11:30 बजे के वक्त जो है फोन करते हुए जो है उनको बताया कि मैं जा रहा हूँ, परिवार का ध्यान रखना। सुबह का वक्त था सर ये। तो आपके पिताजी ऐसी इस तरह की जानकारी दे रहे थे, सही है? हाँ सर ये बात सही है। उनको मतलब भाई ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा मैं जा रहा हूँ कूदने के लिए, सबका ख्याल रखना, सबका मम्मी वम्मी का। तो पापा ऐसे मेक कंपनी में तो भाग कर आए, फिर मालूम पड़ा कि ऐसा कोई देखा नहीं। वो दादा बोल रहे थे कि कोई कूदा है, अब हम लोग भी देखे नहीं सर कि भाई है कि कोई और है। मेरा पक्का मेरा भाई है। आपके डैडी बोल रहे हैं कि वो मेरा ही बेटा है? हाँ भाई है, पक्का पक्का है। यही जाँच में मालूम पड़ जाता और अच्छा हो जाता था। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज। दमकल विभाग और पुलिस आई थी यहाँ पर, तो अभी तक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? नहीं सर, सर्च वही पापा को अभी लेके गए, बोले कि वो क्या बोलते हो पानी में कूदने वाले अभी आएंगे, ऐसा बोल के गए। अच्छा दमकल कर्मी। अभी तो 1.5 घंटे हो गए।